नमस्कार साथियों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पे चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है VLS फाइनेंस लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, समय जाया किए बगैर अपने वक्तव्य को पूरा करते हैं। VLS फाइनेंस लिमिटेड, जिसका कि मार्केट कैप 874 करोड़, करेंट प्राइस 251 रुपया, बुक वैल्यू 830 रुपया, बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे में अभी भी ट्रेड कर रही है ये शेयर। स्टॉक पी 3.73, ROC और ROE काफ़ी लो है, जो कि ROC 2.13% है और ROE 2.05% है। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि इस शेयर पे चर्चा करने की क्या ज़रूरत है, जानने के लिए पूरा वीडियो को देखें स्किप किए बगैर। इसका 52 वीक का हाई लो 322 रुपया और 146 रुपया, डिविडेंड यील्ड 0.60% और फेस वैल्यू 10 रुपया। अब एक नज़र डालते हैं ये शेयर के बारे में कि ये करती क्या है। तो VLS फाइनेंस लिमिटेड मुख्य रूप से परिसंपत्ति प्रबंधन, रणनीतिक निजी इक्विटी निवेश, आर्बिट्रेज और अन्य क्षेत्रों में प्रमुख उपस्थिति के साथ वित्तीय सेवाओं के व्यवसाय में लगी हुई है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसके कामकाज के बारे में। आगे चलते हैं दोस्तों, उससे पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। हाँ तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा वन ईयर का ये प्राइस चार्ट है, जिसको देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ समय के लिए हो सकता है ये कंसोलिडेट करे, बट मेरे आइडिया अनुसार इसमें जल्दी ही अप ट्रेंड बनने वाली है। इस शेयर में गुण और दोष, प्रोज और कॉन्स, यानी कि पेशेवरों और दोष। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पेशेवरों, कंपनी ने कर्ज कम किया है, कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के 0.30 गुना पर कारोबार कर रहा है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे में ट्रेड कर रही है, लगभग 1/3, तो उसी के बारे में बताया गया है। बाकी दोष देख लेते हैं। टैक्स की दर कम लगती है, पिछले 3 वर्षों में कंपनी का इक्विटी पर कम रिटर्न 6.48% रहा है, पिछले 3 वर्षों में लाभांश भुगतान लाभ का 1.80% कम रहा है, और चौथा है देनदारी के दिन 28.2 से बढ़कर के 79.5 दिन हो गए हैं, कार्यशील पूंजी दिवस 344 दिन से बढ़कर के 625 दिन हो गए हैं। तो इस तरीके का 5 है जो कि दोष है इसमें, और पेशेवरों 3 है। एक नज़र डालते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो जहाँ पर सितंबर 2023 में इसका सेल्स हुआ है 84 करोड़ का, वहीं पे दिसंबर 2023 में 113 करोड़ का सेल्स हुआ है। आगे मार्च 2024 का रिजल्ट अभी आया नहीं है, आते ही मैं अपडेट करूँगा। तो अभी देख लेते हैं दिसंबर 2023 के अनुसार ही, जो कि एक्सपेंस है मात्र 6 करोड़ का, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 107 करोड़ का, अदर इनकम 2 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी कि सितंबर 2023 में 6 करोड़ का था, तो अदर इनकम में काफ़ी कम हुआ है, और डिप्रिसिएशन 1 करोड़ का। डिप्रिसिएशन पिछले 8 क्वार्टर से 1 करोड़ का ही रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 107 करोड़ का है, जो कि उससे पहले का क्वार्टर में 82 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट 88 करोड़ का है, जिसके वजह से अर्निंग पर शेयर 25 रुपया 30 पैसा है। तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है
कि जो मार्च 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसमें भी इससे बढ़ करके अर्निंग पर शेयर आएगा, तो इस शेयर का प्राइस ऊपर की ओर ही जाएगी मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। अब देखते हैं थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 12 मंथ का। तो 294 करोड़ का सेल्स हुआ और एक्सपेंस 28 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 266 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 91% का, अदर इनकम 3 करोड़, डिप्रिसिएशन 6 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 271 करोड़, नेट प्रॉफिट 235 करोड़, जिसके वजह से अर्निंग पर शेयर 67.86 रुपया काफ़ी अच्छा रहा लास्ट 12 मंथ का रिजल्ट। अब थोड़ा सा बैलेंस शीट पर भी ध्यान देते हैं। सितंबर 2023 के अनुसार इक्विटी कैपिटल 35 करोड़ का है, वहीं पे इसके पास में रिजर्व काफ़ी अच्छा है जो कि 2854 करोड़ का हो चुका है और ब्रोइंग कुछ भी नहीं है। अदर लाइबिलिटी 644 करोड़ का है, टोटल लाइबिलिटी 3534 करोड़ का, बहुत ही अच्छा है। और इसके पास में फिक्स एसेट भी काफ़ी अच्छा है जो कि 89 करोड़ का है। ये बढ़ते क्रम में काफ़ी परफॉर्म इसका अच्छा रहा है। और इन्वेस्टमेंट 3214 करोड़ का हो चुका है जो कि एक समय में मात्र 95 करोड़ का हुआ करता था। अदर एसेट इसके पास में 231 करोड़ का है। अदर एसेट एक्चुअली कम होना चाहिए लेकिन ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा इस शेयर पे, यानी कि इस शेयर के प्राइस पे। टोटल एसेट 3534 करोड़ का है। एक नज़र शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास में मार्च 2024 के अनुसार 50.85% है जो कि दिसंबर 2023 में भी सेम रहा और सितंबर 2023 में भी प्रमोटर के पास में सेम ही रहा। FIH के पास में 0.74% और DIH के पास में नाम मात्र का 0.03%, पब्लिक के पास में 48.39%, यानी कि वर्चस्व इसमें दो ही का देखा जा रहा है, या तो प्रमोटर या पब्लिक, वो भी प्रमोटर के पास में ज़्यादा परसेंटेज है अभी भी। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 27,480 है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में उतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ है दिसंबर 2023 के अपेक्षा, लेकिन इन्वेस्टरों का रुझान इस शेयर के प्रति बढ़ा है। VLS फाइनेंस लिमिटेड, इसका लास्ट अपडेट न्यूज है 13 मई 2024 का, जिसका कि सब्जेक्ट है डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सेवी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015। इस शेयर में जो न्यूज है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ, आपको सूचित किया जाता है कि डाक मत पत्र के माध्यम से रखे गए नीचे दिए गए प्रस्तावों को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है। अपेक्षित बहुमत और ई वोटिंग की अंतिम तिथि यानी गुरुवार 9 मई 2024 को पारित माना जाता है। तो मुख्य पदों पर किनका किनका अपॉइंटमेंट हुआ है उससे संबंधित है ये न्यूज। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ABCDEF तक का, तो उसमें नाम और कौन से पद पे अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सब दिया गया है। और इस लेटर को किसके किसके पास में भेजा गया है वो डिटेल में दिया गया है, यहाँ पर उसी का डिटेल है। एनेक्चर 1 फर्स्ट का अपॉइंटमेंट ऑफ श्री नजीब हामिद जंग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कितने दिनों के लिए, कब से, ये सब है। तो डिटेल में आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके और पढ़ करके समझ लीजिएगा। सभी के बारे में
डिटेल में दिया गया है। ये न्यूज समाप्त हुआ। अब एक नज़र डालते हैं nsindia.com पर, तो पता चलता है VLS फाइनेंस लिमिटेड, जिसका कि कोड है INE 709A01018, जिसका कि शेयर प्राइस 250 रुपया 50 पैसा, आज बढ़ा है 2 रुपया 75 पैसा, यानी कि परसेंटेज में 1.11%। 16 मई 2024 का 1600 बजे का लास्ट अपडेट है। एक और न्यूज है बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन से संबंधित, जो कि 28 मई 2024 को होने वाला है, तो उस पर सभी इन्वेस्टरों का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रहेगा कि आखिरकार उस डेट में क्या होता है, इस शेयर के लिए कैसा रिजल्ट आता है, कैसा इसका परफॉर्म रहा। उससे पहले इस शेयर में एक बार अब ट्रेंड पक्का बनेगी मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह वेबसाइट का नाम bseindia.com, जिस पर कि VLS फाइनेंस लिमिटेड 250 रुपया 10 पैसा पे ट्रेड कर रही है, लास्ट 16 मई 2024 1600 बजे का अपडेट है। पर डिलीवरी पोजीशन जो बता रहा है, डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेडेड परसेंटेज जो रहा है 49.25%, तो अच्छा ही है डिलीवरी पोजीशन। ओवरऑल इस शेयर के बारे में पढ़ने और समझने से मुझे तो यही समझ में आया कि लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार ही करें दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू शेयर के लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।